वहीं कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर राजकुमार वेरका ने संगरूर उपचुनाव की तैयारियों की शुरुआत कर दी है। तो वहीं डॉक्टर राजकुमार वेरका बीजेपी उम्मीदवार केवल सिंह ढिल्लों के पक्ष में प्रचार करने महलकला पहुंचे। इस दौरान उन्होंने चुनाव ऑफिस का भी उद्घाटन किया। तो वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर वेरका ने कहा कि हम सब भारतीय जनता पार्टी के साथ इसलिए जुड़े हैं क्योंकि सिर्फ ये पार्टी ही है जो खराब स्थिति पर काबू पा सकती है। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू, पूर्व कैबिनेट मंत्री परमिंदर सिंह ढींडसा समेत कई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज अभी भारतीय जनता पार्टी के नाल क्यों जुड़े? असि इसलिए जुड़े हैं कि असि महसूस करते हैं कि पंजाब के विच जिहड़ा लाजवाब दा जनाजा निकलिया है, पंजाब के विच जिस तरह गैंगस्टर दंत ला रहे हैं, पंजाब के विच जिस तरीके दे नाल पूरे हालात पैदा होए आ, ते इन्हां सारे हालातों नूं पीछे हो जो वो ताकत है नरेंद्र मोदी की ताकत। असि सारे ही एक गल वास्ते इकट्ठे हुए, साड़ी कोई सियासी पार्टियां ने जात पात के आधार के उपर सानू मंडिया होया है।